डेंगू के बढ़ते केसेस को देख गुलबर्गा शहर में कल बीजेपी नेता उमेश यादव और चंदू पाटिल ने गवर्नमेंट जिम्स हॉस्पिटल को विजिट कर ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उमेश यादव और चंदू पाटिल के लगाए गए आरोप के बाद आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान एंड टीम ने जिम्स हॉस्पिटल में मौजूद डेंगू वार्ड का सर्वे किया और मरीजों से बात कर डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट और दीगर सहूलियात की जानकारी ली है। कल बीजेपी लीडर उमेश यादव और चंदू पाटिल ने जिम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सही न होने का इल्जाम लगाया था, पर आज डायरेक्ट पेशेंट और उनके घर वालों ने नईम खान एंड टीम से बात कर कहा यहाँ ट्रीटमेंट काफी बेहतर दिया जा रहा है। पेशेंट और उनके घर वालों ने कहा जिम्स हॉस्पिटल में मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है और एक पेशेंट के घर वालों ने यह भी कहा है कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जिम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने की सलाह दी है। डायरेक्ट मरीजों से बात करने के अलावा नईम खान ने जिम्स हॉस्पिटल के इंचार्ज से फोन पर बात कर कहा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो बेहतर दिया जा रहा है पर कुछ पेशेंट को पानी की किल्लत हो रही है। नईम खान ने फोन पर बात कर हॉस्पिटल के इंचार्ज से जल्द मरीजों तक पानी पहुंचाने की गुजारिश की है और साथ ही इस मौके पर नईम खान और खदीर चोंगे ने कहा उमेश यादव और चंदू पाटिल जैसे बीजेपी नेता के पास कांग्रेस को बदनाम करने का अब कोई बहाना नहीं बचा है, इसलिए डेंगू की आड़ में कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी हुकूमत में कोरोना वायरस की वजह से कई लोग हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहे थे, उस वक्त बीजेपी नेता हॉस्पिटल के आसपास भी नजर नहीं आए पर आज कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हॉस्पिटल के दौरे किए जा रहे हैं। नईम खान ने कहा कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने हुकूमत बनते ही सबसे पहले 55 करोड़ की लागत से 110 बेड वाला ट्रोमा केयर सेंटर ओपन किया है जहां आज कई गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज हो रहा है और आगे 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और बर्न यूनिट ओपन होने जा रहा है जिससे गरीब मरीजों को राहत मिल सकती है। आपको बता दें ट्रोमा केयर सेंटर ओपन होने के बाद डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने एम्बुलेंस ड्राइवर्स को तक वार्न किया है कि अगर कोई एक्सीडेंट केस में पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर की निगरानी में जिम्स हॉस्पिटल के अंडर काफी बेहतर ट्रीटमेंट हो रहा है और इसका सबूत आज नईम खान ने खुद मरीजों से डायरेक्ट बात कर बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश किया है। इस मौके पर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान के अलावा खदीर चोंगे, मकबूल सगरी, शेख महबूब, तौसीफ दिसाई, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद फारूक, अमजद इंजीनियर, मोहम्मद खदीर और अरशद के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर इन तमाम लोगों ने क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपरमार्केट गुलबर्गा। अच्छा है ना? अच्छा पूरा स्टाफ आके देखते है ना पूरा? क्या कुछ भी काम नहीं कर रहे सर? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ पहले से अच्छा है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज? गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे नहीं है सर, काम के अच्छे नहीं। हाँ बहुत पैसे होता आदमी अच्छी भी नहीं था। इधर साइड पूरा ट्रीटमेंट है सर अच्छे। कितने दिन हो गए? कब से एडमिट है? कब से एडमिट है? नहीं कुछ लोग आकर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, वो बोल के बोल रहे हैं। बार बार सर 3 लाख से चेक कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट है ना? बार बार अच्छे इलाज भी करना और उसका पूरा फैसिलिटीज का जो है ना पूरा आप जो है ना फायदा लेना, बेनिफिट लेना वो कर। देखो आप तो यानी कि तब्दीली ला रहे हैं डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब, तब्दीली ला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लेट नहीं हो रहा, यहाँ पे पूछ रहे नहीं, देख रहे नहीं, बोले तो कौन से डॉक्टर रेफर कर रहा? अम्मा ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा? हाँ अच्छा हो रहा, नहीं देख रहे नहीं डॉक्टर साहब के सब? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नोड़ बरतर मुझे सर नोड़क कुछ प्रॉब्लम अगर है तो बोलो, डॉक्टर्स करते एहतियात करो जरा, डॉक्टर को बोलो। हाँ परेशानी की तो बात नहीं?
वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जवर की सर सिंह आप डेंगू के पेशेंट हैं क्या? हो रहा ना ट्रीटमेंट? अच्छा हो रहा ना? कहाँ से हैं? गुलबर्ग से हैं। अच्छा हो रहा ना ट्रीटमेंट? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब वो आ रहे हैं टाइम पे, साफ सफाई का वो सब ख्याल कर रहे हैं नहीं? तुम भी डेंगू के पेशेंट हैं क्या? कब एडमिट हुए? कल रात में। कौन से झड़म से? क्या हुआ था? डॉक्टर्स देख रहे हैं ट्रीटमेंट सब सही है, मेडिसिन दे रहे हैं, और कुछ कमी है क्या? सब सहायता तो सब है नहीं? हो रहा ना ट्रीटमेंट? अच्छा हो रहा ना? क्या हुआ था? डॉक्टर की सर्विस कैसी है? कितने दिन आगे? आज ही आई 4 o'clock आ गए। ये 6 month back इधर आई थी मैं, कुछ भी अच्छा नहीं था। ये सब सही है, अब तो आज ही है। अच्छा सुबह से अच्छा है, ट्रीटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन पानी का प्रॉब्लम है इधर से। पेशेंट को इम्पोर्टेंट पानी है किसी चीज का, वो जरा बोलते बोलते बोले वहाँ भी बोले तो हम भी कर सकते। बैठो बैठो बैठो। डेंगू पेशेंट है क्या अभी? आराम है वो? आपको अगर डॉक्टर नहीं सुन रहे या नहीं करे, कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट जाना या तो जो इंचार्ज है ना उनसे मिलना चाहता, वो क्या प्रॉब्लम है इनका सॉल्व करते हैं। बाकी सब ठीक है ना? जैसा कि गुलबर्ग के आवाम जानती है कि कल सोशल मीडिया में हमारे एक्स गुलबर्ग का MP जो उमेश यादव साहब और चंदू पाटिल साहब और तमाम जो है ना स्टेट के BJP प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर कल आकर यहाँ पे जायज़ा लिए जिम्स हॉस्पिटल का। उन्होंने बताना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नाहेल पार्टी है, वो काम नहीं कर सकती, इसलिए वो नहीं कर सकती बोलकर हम आकर जायज़ा लेकर ये साबित करना चाह रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट पेशेंट की हैसियत से आकर अपनी टीम के साथ तमाम पेशेंट का जब जायज़ा लिया तो यहाँ पे इतनी खुशी हुई हमको, यहाँ के पेशेंट से बात करने के बाद इतना इत्मीनान हुआ कि यहाँ के पेशेंट बोल रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले यहाँ के गवर्नमेंट जेम्स हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होता बोलकर रेफर करें बोलकर बोलने से हमको बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब खास करके गुलबर्गा में जब से जो है ना उन्होंने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, यहाँ के जो है ना हॉस्पिटल्स के ऊपर इतनी तवज्जो देकर हर बार यहाँ का आकर जायज़ा लेकर पेशेंट से पूछकर यहाँ के डिपार्टमेंट से पूरे जो है ना मेडिकल के जो है ना तमाम जो है ना जिम्मेदारों से बात कर यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है ना काम ले रहे हैं, जिससे यहाँ पे पेशेंट को जो है ना पूरी फैसिलिटीज मिल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि शहर गुलबर्गा में जेम्स हॉस्पिटल का और ट्रामा का सेंटर का और मदर एंड चाइल्ड का और बर्न यूनिट का और ऐसे कई जो है ना कैंसर का, ऐसे कई जो है ना हॉस्पिटल यहाँ पे बनने वाले हैं, जिससे करोड़ों फंड, करोड़ों रुपये का जो है ना फंड लाकर यहाँ पे डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब एक बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर का, ऐसे मिनिस्टर का उनकी मुखालिफत कैसा करना, कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत कैसा करना, हाँ ये करने के लिए इनके पास काम तो कुछ है नहीं। ये लोग आकर 5 साल जो है ना स्टेट में और सेंटर में दोनों हुकूमत रहने के बाद ये बार ये लोग एक बार भी जो ना का दौरा नहीं करे, ना उमेश यादव साहब करे, ना BJP के जो ना कोई कैंडिडेट या लीडर आकर यहाँ पे कोई जायजा लिए। आज उनके पास कुछ काम नहीं है क्योंकि ये लोग पिछले पाँच साल सिर्फ ये 40% की सरकार थी। ये जो ना काम बोले वहाँ ऐसे ऐसे काम करे हैं जिसमें बदनाम हुई तो है, इनको कर्नाटक की हुकूमत इनको निकाल फेंकी है, इसकी वजह से आज ये लोग अच्छा काम हो रहा था उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब हमारी खुश नसीबी है, ऐसे जो है ना लीडर को यहाँ पे मिनिस्ट्री मिली है जो यहाँ पे पूरा मेडिकल लाइन में पूरा डेवलप कर सकते हैं।
तो मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आवाम से खास करके जो है ना अपील करता हूँ कि आप जो भी जो है ना आपके जो है ना प्रॉब्लम है, चाहे आपको जो है ना हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको मेजर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आएँ, आकर यहाँ से ट्रीटमेंट करें। ये पहले के लोग बोलते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता, पहले एक बार आइए आप लोग, आकर यहाँ पे इलाज करिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे खराब मत करिए, परेशान मत होइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आइए। एक बार डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब आपके लिए क्या कर रहे हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आवाम के लिए, एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल आकर आप देखिए। ये पिछले एक साल पहले जो था जिम्स, आज 100% तब्दील हुआ है। पहले जो सर्विस मिलती थी, आज उससे कई गुना सर्विस अच्छी मिल रही है। डॉक्टरों का रिस्पांस के बारे में हमने पूछा, नर्सों के जो ना आपके जो बिहेवियर के बारे में पूछा, उनकी सर्विस के बारे में पूछा, यानी यहाँ पर जिम्स हॉस्पिटल बेहतरीन अच्छे इंतजाम के साथ चल रहा है। तो मैं देखने में ये आया कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ लीडर्स अपने आप को जो ना कहते हैं, तो उनको इतनी भी अक्ल होना चाहिए, जो कांग्रेस सरकार ने जिस हॉस्पिटल को कायम किया, तो क्या उनको हॉस्पिटल की जो ना निगरानी करना नहीं जानते? पिछले 5 साल कब जब बीजेपी की सरकार थी, कोरोना का माहौल था, उस दौर में मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ आपसे, आप कौन से हॉस्पिटल में बीजेपी के कार्यकर्ता जाके अवाम से जो है ना आप देखे? वही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वही कांग्रेस के जो ना MLA थे, वही जो ना हर कोई जो ना फिगर से जो ना कोरोना के जो पेशेंटों से मुलाकात करते थे, और डॉक्टरों को जो ना तरबियत देते थे, तरगीब देते और डायरेक्शन देते थे कि आप क्या किस अंदाज से सर्विस कर रहे हैं। तो हम ऐसे हालात में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स, खास तौर पर अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब अपीयरिंग कर गए, उन्होंने मामले में इतने स्ट्रिक्ट हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने जरिए कोई चीज सुनती इमीडिएट DHO को बात करते हैं, पेशेंट को बात करते हैं, कुछ कार्यकर्ता को रिपोर्ट देता है तो इमीडिएट डॉक्टर को बात करते हैं। तो ये किसके लिए कर रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लीडर किसके लिए कर रहे हैं? जो कांग्रेस इन पे भरोसा करके वोट दिए उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है कांग्रेस, आक्रमण करके नहीं बैठी कांग्रेस। जो ना कोई जो ना वो एक फोन पे जैसा था, पेटीएम के रूल में नहीं चल रही कांग्रेस। कौम, अवाम और इंसानियत की बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए काम करती है। आपको मालूम होना चाहिए, आज जिम्स हॉस्पिटल वहाँ पर जो अब हमारे सेंट्रल कामत के सामने, ये शरण प्रकाश साहब के जो कारनामे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कारनामे, ऐसा ही हॉस्पिटल किसने बनाई? आज कई गरीब लोगों की जो ना सहूलतें हैं, ऐसा ही हॉस्पिटल में कौन सा इलाज नहीं हो रहा? आपको ये कहना, मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जिम्स हॉस्पिटल और ASI हॉस्पिटल एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो ये किसकी मेहनत, किसकी कोशिश, किसकी जो एबिलिटी की वजह से बन रहा है? यही डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब, आज उन्होंने पूरे 12-24 घंटे में, आपको मालूम है 20 घंटे उन्होंने ये फिक्र करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में क्या कमी है, कौन से डॉक्टर की क्या सर्विस है। ये मामली खिदमत नहीं है, मामली काम नहीं है। और कुछ कार्यकर्ता बीजेपी कहते हैं कि यहाँ पर जो ना डेंगू का मामला है, चिकनगुनिया का मामला है। हमने पेशेंटों को खुद पूछा, जो वार्ड जो ना डेंगू का बोल के यहाँ पर स्लिप लगाए हैं, हमने पर्सनली जाके पूछा डेंगू के कैंडिडेट को कि भाई आपको डेंगू डिटेक्ट हुआ या नहीं? तो नहीं साहब, अभी हमारा बुलेट टेस्टिंग के लिए गया, अंदाजा है। फलाने डॉक्टर ने हमको यहाँ भेजा कि आप जिम्स में जाइए, आपका अच्छा इलाज होता है। तो आज डॉक्टर्स, हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स जिम्स को रेफर कर रहे हैं, तो क्या ये हॉस्पिटल सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है? हमको इख्तदार नहीं, हमको अवाम की सर्विस चाहिए। हमारे लीडर भी अवाम की सर्विस के लिए वोट दिए और बराबर उन्होंने निभा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जो ना कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लीडर इसकी मांग जो ना इम्प्लीमेंट करने के लिए बिजी हैं, हम बिजी नहीं हैं, हम 24 घंटे अलर्ट हैं, 24 घंटे अलर्ट हैं। अभी मैंने कुछ पेशेंटों से पूछा कि आप कौन से जो ना ताल्लुक से हैं, कोई ये कहा कि मैं जवरगी से हूँ, कोई ये बोले कि मैं सेड़म से हूँ, कोई ये बोले कि जो ना चिंचोली से हूँ। अरे आप तो डॉक्टर कहते हैं, जो डिफिटेट MP साहब है, चिंचोली में 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में गैस बस्ट हुआ, आपका बेटा MLA है, क्या देख रहे हैं आप भी अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं? मेरे को समझ में नहीं है ये बात। अरे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखो,
ये तो मैं तो ये बोलूंगा हैदराबाद कर्नाटक में बेहतरीन जो ना रिजल्ट देने वाला जिम्स हॉस्पिटल है, एएसआई हॉस्पिटल है। आज कई दवाखाने बंद पड़े हैं, इसकी वजह जिम्स हॉस्पिटल का जो है ना जो रेस्पॉन्स है या आपकी जो सर्विस है, कई डॉक्टर परेशान है। तो मैं यही कहता हूँ तमाम, हम ये चाहते हैं कि गरीब भी यहाँ इलाज करे, पैसे वाला भी इलाज करे। ये कोई पैसे वाले का गरीब का दवाखाना नहीं है, पूरे अवाम का है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये पूरे इंसानों का जो है दवाखाना है, आप बिल्कुल बेफिकर आके जो ना यहाँ पर इलाज कर ले सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।